लड़की रहेगी ना तो आराम से थोड़ा सा दर्द करेगा भाई लड़का रहेगा दर्द करेगा अरे कहीं का, का मजा आएगा टाका लगाने में फ्लोरेंस <laughs> की एक लड़की थी बड़ी चंचल थी जब छोट थी तो बड़ी बदमाशी करती थी तो उसका नाम रख दिया सब बुलबुल -बुल। तो बुलबुल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं नाइटिंग बुलबुल -बुल चिड़िया देखे ना चकर पकड़ करते रहती है सब समझ गया कि नहीं गया उसका नाम ही रख दिया से क्या? जी बुलबुल तो अंग्रेजी में बुलबुल को क्या कहते हैं कहा वाली थी फ्लोरेंस फ्लोरेंस की तो नाम हो गया नाइटिंग का युद्ध चल रहा था अठारह की बात है क्रीमियम युद्ध के बारे में तो क्रीमिया का युद्ध जब चल रहा था तो क्रीमिया के युद्ध में इसने अपने राजा से कहा कि हम भी लड़ना चाहते हैं तो राजा ने कहा कि महिलाएं लड़ाई नहीं लड़ती हैं युद्ध में और देखिए महिलाओं को युद्ध में लड़ सकती है बट इन टाइम टेक्नोलॉजी से उनको लड़ने दीजिए मिसाइल ऑपरेटिंग डाल दीजिए एयर होता क्या है ना कि युद्ध में सैनिक से ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं जब हमारे पकड़े जाते है उन्हें युद्ध बंदी समझ में आ गया कि नहीं आ गया अब जैसे देखिए किसी के लड़का को कोई पकड़ के ले गया तो दो दिन दिन चार दिन में आदमी घर वाला सोचता है कैसे सो ही छोड़ता है लड़की को पकड़ के लेकर चलेगा सामने तो छोड़ना पड़ जाता है समझ आएगी नहीं तो राजाओं को लगता था कि नहीं महिलाओं को भेजेंगे पकड़ा जाएगी तो हमको उसका शर्त मानना पड़ेगा समझ में समझाएगी नहीं लड़का सबको चार अब कोई लड़का को कोई ले जाएगा पांच लाख दो नहीं तो मार देंगे घर वाला कहे मार दो बेचारा <laughs> वापस कर देगा ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है लड़का सब में नहीं है लड़का सबको भी लोग मानते हैं लड़की सबको लेकिन तो लोग ज्यादा मानते हैं गया कि नहीं सब लोग ज्यादा मानते हैं <laughs> यहां आने के बाद आपका ये मिथ टूटता होगा समझ हाँ? समझे नहीं गा? हम तो सीधा कहते हैं लड़का को ज्यादा मानते समझ समझे नागा पापा ज्यादा बेटा को मानते हैं अरे तुम सबको ही मानते हैं लोग घर के लोग एक नियो को मानते हैं लोग घर के लोग लो लो। बताओ जाए दादा तु करवा में शांति से रहती है सो कि नहीं तुम लोग ये सब अलग बैठाने लगे दोनों एकदम खतरनाक एगो को ये कोना को वो कोना बैठाने लगे व्हील चेयर पे चलो ध्यान दो इधर तो नाइटिंगल लड़ते रह गई कि हमको जाना है युद्ध में तो राजा कहा ना नहीं जा सकती है तो बाद में उसने कही कि देखिए तब एक काम कीजिए जो युद्ध में सैनिक घायल होकर आ रहे हैं ना उनकी सेवा करने दीजिए तो राजा कहा कि हाँ ये काम तो हम दे सकते हैं तो बेटा जी इसको देश प्रेम का इतना शौक था कि जो युद्ध में सैनिक घायल होते थे तो किसी का हाथ कट गया है किसी को पैर कट गया है किसी को बम लगा है बहुत बुरी तरह तो सैनिक घायल होते हैं फौजियों का डॉक्टर भी अलग होता है उन सबका टाका लगता है अलग डिजाइन से समझा कि नहीं अरे हम लोग को नॉर्मल बीमारी होता है एक्सीडेंट होगा तो नॉर्मल एक्सीडेंट होगा गया अफौज में चिथड़े उड़ गया समझे में नहीं आएगा मिलाना पड़ेगा ये करे पैर है क्यों करे बहुत बुरा होता है उन लोग का डॉक्टर भी बहुत खतरनाक होता है खटाखट में जा रहा हूँ चिल्ला रहा है लेके एक आदमी भाग रहा है चल भाई खड़ा होकर इलाज करिएगा डॉक्टरों मर आ जाएगा लेके भाग रहा है वहीं में इंजेक्शनों दे रहा है चल चल पानी चढ़ा रहा है एक तो पकड़ रहा है वो पानी चढ़ा के लेके भागता है बहुत मुश्किल होता है एक आर्मी का डॉक्टर होना बहुत मुश्किल जान उसका भी बचाना है और अपना भी बचाना है न तो पता चला है, कर पर उन्हें मार दिया साइड में ले जाके फिर बेस कैंप में पहुंचाया जाता है नॉर्मल को वहीं पे ट्रीटमेंट फर्स्ट एड देके फिर नीचे बेस कैंप में भेजा जाता है तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगल डॉक्टरी वाला संभाल रही थी इतनी सेवा की थी कि रात रात भर वो जग के हमेशा अपने साथ लालटेन रखी रहती थी लैम्प लैंप इसलिए उसका नाम है पड़ गया लेदी विद द लैम्प जब भी रात में अगर कोई सैनिक को कोई दर्द हुआ मान के किसी का हाथ कट गया पर रात भर चिल्लाएगा तुरंत लैंप लैंप लेके पहुंच जाती थी उसको दवा देना इसलिए उसका नाम क्या बढ़ गया लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगल को और वो इतनी सेवा की नर्स बनकर कि फौजियों ने उसको अपनी बहन की उपाधि दे दिया कोई उसको नर्स नहीं कहता था सब उसको बहन कह के बुलाने लगे सर सिस्टर सिस्टर तब से परंपरे चल गया कि नर्स को क्या बोला जाने लगा सिस्टर

मेडिकल के साथ साथ मेंटल सपोर्ट की भी जरूरत रहती है अब किसी का टाका काटना है तो दर्द तो करेगा ही करेगा अब वो लड़की रहेगी ना तो आराम से थोड़ा सा दर्द करेगा भाई लड़का रहेगा दर्द करेगा अरे लोल कहीं क्या मजा आएगा टाका लगाने में उसका पूरा मनोबल तूर देगा <laughs> नहीं समझा यहाँ लड़की रहेगी तो उसको समझाएगी फिर थोड़ा सा तकलीफ होगा आप ही के लिए कर रहे हैं सही हो जाएगा यहाँ तो उसको लगता है कि नहीं थोड़ा सा सहने की क्षमता है तो और रद्दी बोल देगा यहाँ पे छोड़ देता तो, तो, है तो छोड़ दे जो उठ के जाओ ले जाओ किडनी लेके अपन <laughs> लाठी मार वाला भाषा बोल देता है नहीं जा <laughs> तो यहां पे ना लड़की बहुत सही काम करती हालांकि मेडिकल फील्ड में लड़कियां हैं भी बहुत अच्छे तो फ्लोरेंस नाइटिंगल कहां की थी <laughs> फ्लोरेंस की थी